The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके मेडिकल एजुकेशन चैनल पे डॉक्टर एजुकेशन। सो आज बात करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। दोस्तों आप सब और हम सब जानते हैं कि फीमेल यूट्रस यानी कि गर्भाशय जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर वूम के अंदर गर्भ के अंदर प्रेगनेंसी होती है। मगर कुछ ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जब प्रेगनेंसी यानी कि बच्चा गर्भ के अंदर नहीं, गर्भ के बाहर कहीं जन्म लेने लगे, वहाँ पे प्रेगनेंसी हो जाए। और ये ऐसे में जो फीमेल है, जो लेडी है, जो स्त्री है, उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो ये है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इसके बारे में समझेंगे। देखिए ज़्यादातर ऑब्वियसली आप समझते हैं कि फीमेल यूट्रस यानी कि गर्भाशय में से जो दो ट्यूबें निकलती हैं फेलोपियन ट्यूब से, जो अटैच्ड होती हैं ओवरीज अंडकोश जो होते हैं, वहाँ से जो अंडे निकलते हैं वो निकल के गर्भाशय के पास आते हैं। वहाँ पर कहीं पर जब स्पर्म मिलता है साथ में, और वहाँ पर वहीं गर्भाशय में यूट्रस में इम्प्लांटेशन यानी कि वहाँ पर जो जाइगोट बोलते हैं, जो स्पर्म और एग मिल के जो बनाते हैं, वहाँ पे जाके इम्प्लांट होता है, वहाँ पे गर्भ धारण हो जाता है। सो बेसिकली एग इज़ फर्टिलाइज्ड इन साइड द फेलोपियन ट्यूब एंड इट इज़ मान लीजिए कि यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो जाता है। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अगर इस एग का जो मूवमेंट है ओवरी से फेलोपियन ट्यूब के थ्रू आने का, वो ब्लॉक हो गया हो या स्लो हो गया हो, तो ऐसे केस में जो प्रेगनेंसी है वो ट्यूब में हो सकती है। वो गर्भ जो यूट्रस की जगह ट्यूब के अंदर ही प्रेगनेंसी बैठ जाए और ट्यूब फूलने लग जाए। यूट्रस फूलता है नॉर्मली, यूट्रस में कैपेसिटी होती है सब बड़ा होने के अंदर, बच्चा बड़ा होने की, ट्यूब के अंदर कैपेसिटी नहीं होती। तो ट्यूब जो है वो अगर बच्चा वहीं पर इम्प्लांट हो गया तो बड़ी होती जा सकती है, ठीक है। सो ऐसे में ट्यूब फट सकती है, वहाँ पे खूंखार ब्लीडिंग हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। सो एक ट्यूबल प्रेगनेंसी हो गई एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ऐसे ही और कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि जो फेलोपियन ट्यूब है उसमें कोई जन्मजात बर्थ डिफेक्ट हो, उसमें ब्लॉकेज उसके शेप में कहीं पर, या उसके अंदर स्कार हो। हो सकता है पहले कभी कोई पेट में ऑपरेशन हुआ हो जैसे अपेंडिसाइटिस का, या फिर हो सकता है अपेंडिक्स फट गया हो तो वहाँ पे स्कार टिश्यू है, इस वजह से ट्यूब टेढ़ी मेढ़ी है, किंक्ड है। हो सकता है आपके गर्भाशय में एंडोमेट्रियोसिस यानी कि वहीं पर इन्फ्लामेशन हो, और या एंडोमेट्रियम जो होता है वो बाहर भी अलग बीमारी है, एंडोमेट्रियोसिस पर अलग से वीडियो है हमारा, देख सकते हैं। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर आपको पहले भी हो चुकी है तो दोबारा होने के चांस और भी होते हैं, तो ये एक और कारण है। और लाइक आई सेड, अगर कहीं भी नीचे की तरफ ऑपरेशन हुआ है उसका एक रीज़न हो सकता है। 35 से ऊपर आपको एक्टोपिक का रिस्क बढ़ जाता है। अगर आप प्रेग्नेंट हुए हैं और उसी दौरान आपके यूट्रस में कोई इंट्रा यूट्राइन डिवाइस IUD पड़ा हुआ है तब भी चांस बढ़ जाता है। अगर आपकी ट्यूब टाइड है, ट्यूबल लाइगेशन सर्जरी आपने कराई हुई है गर्भ निरोधक वाली, और आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तब भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। जी हाँ, थिंग्स आर पॉसिबल, चांसेस आर लेस। एक बार आपने ट्यूबल लाइगेशन करा दी, प्रेगनेंसी होने के चांस बहुत ना के बराबर, फिर भी पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। और अगर आपने कोई मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट है, तो ऐसे केसेस में एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रिस्क थोड़े 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 बढ़ जाते हैं। दैट नॉट मीन कि इस सब से होता है, आई मीन जस्ट रिस्क बढ़ जाते हैं। ऑब्वियसली हॉर्मोन्स प्ले अ रोल, है ना। और ज़्यादातर केसेस में ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो यूट्रस के बाहर गर्भाशय के बाहर होती है, ये ट्यूब में होती है। सो ट्यूब के अलावा भी कई जगह पे हो सकते हैं। रेयर केसेस में ये डायरेक्ट ओवरी के अंदर ही प्रेगनेंसी बढ़ जाए या पेट के अंदर कहीं पे चले जाए,
या फिर नीचे यूट्रस से नीचे बाहर की तरफ सर्विक्स में बैठ जाए, ऐसा भी पॉसिबल है, बट ये रेयर है। सो अगर हो जाए और ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल पे हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, तब भी होने के चांस होते हैं। सो इम्पॉसिबल नहीं है, रेयर होता है बट होता है। अगर हो जाए तो क्या होगा, आपको एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, महीने से अलग कहीं ब्लीडिंग होगी, पेट में पी आपके नीचे साइड में दर्द हो सकता है, और आपके पीरियड नहीं आएंगे। ऑब्वियसली प्रेगनेंसी है तो पीरियड नहीं आएंगे, एबनॉर्मल ब्लीडिंग, कभी यहाँ कभी वहाँ कुछ कुछ ब्लीडिंग हो रही, नीचे की तरफ दर्द हो सकता है। ऐसे में अगर ब्लीडिंग हो जाए, रप्चर हो जाए, प्रेगनेंसी एक्टॉपिक प्रेगनेंसी वाली जो साइट है वो फट जाए, क्योंकि प्रेगनेंसी वाली जगह पे ब्लड सप्लाई बहुत अच्छा होता है, तो अगर वहाँ पे फट जाए तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, जो लेडी है वो फेंट हो सकती है, बेहोश हो सकती है, वहाँ पे एकदम से रेक्टल आपको हो सकता है नीचे की तरफ प्रेशर ज़्यादा लगे, ब्लड प्रेशर लो हो जाए, कई बार शोल्डर में पेन आ सकता है, कई बार पेट में दर्द हो सकता है। सो अगर रप्चर हो जाए तो जानलेवा हो सकती है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। तो ऐसे में टेस्ट जो होता है अल्ट्रासाउंड होता है, ऑब्वियसली प्रेगनेंसी टेस्ट भी होता है क्योंकि आपका महीना नहीं आ रहे, तो प्रेगनेंसी टेस्ट में HCG का टेस्ट होता है, जो हार्मोन होता है प्रेगनेंसी के लिए वो देखते हैं, तो HCG पॉजिटिव आता है, वो अबव वैल्यू आता है, प्रेगनेंसी मिल जाती है, प्रेगनेंसी है। और प्रेगनेंसी कहाँ है, अल्ट्रासाउंड से ढूंढते हैं तब वो देखने में मिलती है कि भाई यूट्रस में तो प्रेगनेंसी है नहीं, फिर ट्यूब्स में ढूंढते हैं तो वहाँ दिख जाती है भाई ट्यूब में प्रेगनेंसी है, या तो फिर ट्यूब में बहुत कॉमनली है, वहाँ नहीं है तो रेयर केस में एब्डोमिन में या कहीं और, जैसे मैंने कहा, प्रेगनेंसी दिख जाती है। अगर आपको यानी कि HCG पॉजिटिव आ रहा है और प्रेगनेंसी कहीं नहीं दिख रही, तो एक्टॉपिक के चांसेस हैं, फिर आपको एक्टॉपिक ढूंढनी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा, फट सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, और वो एक्टॉपिक ट्यूब में हो सकती है, ट्यूब में नहीं मिली तो पेट में कहीं हो सकती है, फर्दर टेस्ट की जरूरत पड़ेगी। उसमें हो सकता है आपके वेजाइनल अल्ट्रासाउंड हो, आपका नॉर्मल ऊपर से नहीं, अल्ट्रासाउंड नीचे से अंदर से जांच करनी पड़े। और अगर आपकी ये प्रेगनेंसी लंबी चलने की कोशिश करते हैं, अगर आप बोलते नहीं मैं ये प्रेगनेंसी, अगर आपने ध्यान नहीं दिया, अगर आपने टेस्ट नहीं कराया, अगर आपकी एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है वो चल रही है, तो वो लाइफ थ्रेटनिंग ही होगी। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी कैन नॉट बी लाइक अ नॉर्मल प्रेगनेंसी, नहीं बना सकती, उतनी जगह ही नहीं है बच्चा ग्रो होने की, वहाँ पे वो सिस्टम ही नहीं है, सिस्टम इज इन द यूट्रस, यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर, वहाँ नहीं है तो बहुत ना के बराबर एंड पॉसिबिलिटी ही नहीं है। वो जो सेल्स वहाँ बन गए उसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो मदर की लाइफ पे खतरा है। तो द ओनली ट्रीटमेंट ऑफ एक्टॉपिक प्रेगनेंसी, अगर वो रप्चर नहीं हुई है तो सर्जरी, और या फिर कुछ दवाई जो मेडिकल मेडिसिन दे के सर्जरी को बंद किया जाता है, अबॉर्शन कराया जाता है, वो भी अगर करते हैं तो डॉक्टर की निगरानी में अस्पताल में करना पड़ता है, नहीं तो ब्लीडिंग हो सकती है, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी कभी भी फट सकती है, तो वहाँ पर तो दवाई लेने पर भी फट सकती है, और ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी, आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको क्या कहते हैं IV फ्लूइड्स, पानी चढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है, ग्लूकोज चढ़ाने की जरूरत, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है, BP लो हो गया, अगर मान लो किसी का हो गया तो पैर ऊपर करिए ताकि ब्रेन को हार्ट को ब्लड जाए, है ना, उनको गर्म रखने की कोशिश करिए, तुरंत अस्पताल लेके जाइए, तुरंत के तुरंत ऑपरेशन की ज़रूरत है, खून रोकने के लिए खून चढ़ाने की ज़रूरत है तुरंत के तुरंत। ऐसे केसेस में जब फट जाए तो हो सकता है उनका फिर प्रेगनेंसी में उनका ट्यूब निकालने की जरूरत पड़ सकती है, तो वो डेंजरस होता है। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी फट जाए तो जानलेवा हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिए। एबनॉर्मल अगर वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके ज़रूर चेकअप कराए, और अगर इसको प्रिवेंट करने के लिए सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस फॉलो करिए, और बहुत ज़रूरी है कि आप जिस भी बीमारी अगर आपको कोई होती है, मान लीजिए UTI होता है, इन्फेक्शन होता है, तो आप उसका अर्ली डायग्नोसिस करिए, अगर आपको इन्फेक्शन है उसके साथ प्रेगनेंसी होती है तो चांसेस बढ़ जाते हैं एक्टोपिक होने के, और अगर आप स्मोकिंग करते हैं उसको रोकिए, स्मोकिंग से भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में, इस वीडियो को शेयर करिए, शायद किसी की मदद हो जाए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, दिस इज डॉक्टर परमजीत, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।